के चारों ओर झपका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। आइए हम लोग बैठ सकते हैं। अगले एक घंटा हम लोग अपना ध्यान को परमेश्वर के वचन पर आकर्षित करेंगे। जैसे दुनिया मनाती है वैसा क्रिसमस हम नहीं मना रहे हैं। हमें क्रिसमस की कुछ हकीकत जानना बहुत जरूरी है। 2000 साल से प्रभु यीशु मसीह का जन्म का ऐलान ये धरती पर हो रहा है, लेकिन क्रिसमस का मनाना जो है वो अब से लेकर 100 सदी के आसपास में शुरुआत हुई है। ये बहुत पुराना त्यौहार नहीं है। 1800 सदी में अमेरिका के अंदर क्रिसमस का मनाना शुरू किया है। 1900 सदी के आसपास ये बातें दुनिया में फैली और 1900 के आसपास में क्रिसमस का छुट्टी ऐलान किया गया। इसके पहले क्रिसमस की छुट्टी भी नहीं थी। ये बहुत नया त्योहार है जिसको आज हम लोग अपने आसपास में देखते हैं, बड़े जोर और जश्न से लोग मनाते हैं। पर बाइबल के दिनों के अंदर ऐसी कोई क्रिसमस मनाया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात हम बाइबल में देखते हैं कि कोई भी शिष्य कलीसिया काल के दरमियान उन्होंने क्रिसमस मनाए ऐसा बाइबल गवाही नहीं देती। फिर ये त्योहार जो है ये बाहर से लाया हुआ त्योहार है और इसका स्थापन करता जो है रोमन कैथोलिक चर्च है। बल्कि क्रिसमस के नाते और भी बहुत सारे जैसे गुड फ्राइडे और ईस्टर ये सारे सारे त्योहार रोमन कैथोलिक के माध्यम से मसीहत के अंदर चली आई, परंतु बाइबल के मसीहत में इन कोई त्योहारों का जिक्र नहीं है। यीशु मसीह पैदा हुआ था, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह मारा गया और दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। ये उसने आपके और हमारे लिए किए हुए भलाई है, लेकिन ये त्योहार के रूप में बदलने के लिए प्रभु ने कहीं नहीं कहा। एक चीज प्रभु ने जो आपको और हमको करने के लिए कहा वो ये था, प्रभु भोज की आराधना, कम्युनियन जिसको हम लोग कहते हैं, प्रभु भोज यानी रोटी तोड़ना, जो हर महीने के हम लोग पहले हफ्ते में करते थे, कर रहे हैं और प्रभु के आने तक करते रहेंगे। यही एक त्योहार प्रभु ने अपने स्मरण के दिन उसकी याद में करने के लिए कहा। तो आज ये क्रिसमस की कुछ हकीकत आपके सामने रखते हुए मैं तीन बातों को रखूंगा। पहला, प्रभु यीशु मसीह एक चरनी में पैदा हुआ। दूसरी बात मैं रखूंगा आपके सामने कि प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के हृदय में पैदा हुआ, तबीली और स्मार्ट। और तीसरी बात जो आपके सामने मैं रखूंगा, प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा बन के आ रहा है। पहले आगमन में वो उद्धार का काम को पूरा किया, दूसरी बार वो पवित्र आत्मा के रूप में विश्वासियों के अंदर आकर अपने राज्य को स्थापित किया और तीसरी बार वो आएगा अपने दुल्हन को जिनके अंदर उसका राज्य स्थापित है उनको उठा ले जाने के लिए। ये तीन आगमन के ऊपर आज के क्रिसमस की संदेश आधारित है और मैं इसमें कहीं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। समय प्रभु अनुग्रह करे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब धरती में आया, बाइबल कहती है तुम जब जाओगे तो चरनी में एक बालक को लिपटा हुआ पाओगे। प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया का कर्ता है, आसमान और धरती का बनाने वाला, जब ये धरती में आया तो उसके लिए किसी भी घर पे जगह नहीं थी। मरियम 9 महीने पूरे होने पर
यूसुफ उसको गधे पर लाद कर ले जा रहा है और इस बैतलहम के हर घर घर में जाकर वो पूछ रहे आपके घर में थोड़ी जगह मिलेगी, थोड़ी जगह मिलेगी। किसी के घर पे जगह नहीं थी। आखिरकार किसी के घर के पिछवाड़े में जहाँ जानवर बंधे हुए थे वहां पर उनको जगह मिली। और दुनिया का बनाने वाला जानवर गाय के गोठे पे आकर जन्म दिया। आज हम लोग उसके लिए बहुत धूमधाम से मना रहे क्रिसमस। हम लोग अपने घर को सजा रहे हैं, अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं। क्रिसमस के मामले में पिछले 8 दिन से घर में करंजी बनती होगी और ना जाने कितने सारे मिठाइयां बन रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं। ये सब हम लोग बता रहे हैं कि एक त्योहार हमारे लिए आ रहा है। लेकिन जब पहला क्रिसमस हुआ था, पहली बार जब प्रभु जगत में आया था, कोई डेकोरेशन नहीं थी, कोई पताका नहीं था, कोई मिठाई नहीं थी, परंतु एक दुख भरी कहानी थी। एक ऐसा अवस्था था कि जहां कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं थी या डिलीवरी हो सके। आज हम लोग अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराते हैं डिलीवरी के लिए। बच्चे होने के पहले उसके लिए कपड़े लत्ते झूले ना जाने कितने सारे हम लोग औजार ले आते, बच्चों की गिफ्ट ले आते। उन दिनों के अंदर मरियम के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ये साबित होता है कि दुनिया का बनाने वाला आपके हमारे लिए बिल्कुल कंगाल बन गया है, ताकि आप और हम जो कंगाल है धनवान बन जाए। कितनों को धनवान बनना है? यीशु मसीह आपको धनवान बना सकता है, क्योंकि वो कंगाल बनना जानता है। हम लोग कंगाल रहकर कभी भी अपने आप को छोटा नहीं, हम अपने आप को हमेशा धनवान बनाना जानते हैं। लेकिन खुदावन आपके और हमारे लिए कंगाल बनकर धरती पे आया, ताकि उसकी सारी अमानत, उसकी सारी जायदाद, उसका सारा जो अपना है वो आपको देने के लिए वो ये धरती में कंगाल बनकर आए। गाय के गोटे पर उसकी जन्म हुई और बहुत दुर्दशा के अंदर शायद यूसुफ ऐसा सोचता होगा कि मेरे पत्नी के लिए एक अच्छा स्थान को मैंने तैयार कर सका। ऐसा नहीं कि वे लोग जान पहचान वाले नहीं थे, बहुत जान पहचान वाले थे। बैतलहम शहर का वो वासी था, नाम लिखाई दिन चल रही थी, सब लोग अपना नाम दर्ज कराने आए थे, लेकिन किसी के घर में जगह नहीं थी। पहले से मेहमान भर चुके थे और कोई भी होटल खाली नहीं था। अगर कोई जगह बची थी तो यही जगह बची थी जहां यीशु मसीह पैदा हो सकता है। आज क्रिसमस के नाते बहुत सारी बातें जो क्रिसमस से संबंधित नहीं है, वो सारी बातें हम लोगों के जीवन में देखते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो क्रिसमस से बहुत परा है। इन दिनों के अंदर आपने देखा होगा चर्च वाले सेंटा क्लॉस क्रिसमस फादर को लेकर गीत गाते हुए घर घर जा रहे हैं, बच्चों को मिठाई बांट रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को झूठ बोलते हैं कि रात को फादर आया था, क्रिसमस फादर तुमको खिलौना देकर गया, और पूरी साल बच्चे को झूठ बोलते रहते हैं क्रिसमस फादर आएगा तभी तुमको खिलौना लेकर आएगा जब बच्चा कुछ मांगता है। पूरी साल बच्चे को झूठ बोलते हैं और क्रिसमस फादर कोई खिलौना नहीं लाता, माँ बाप खुद ही लाते हैं और बच्चे के पास भरकर सवेरे कहते हैं कि रात को फादर आया था और देखकर चला गया। यीशु मसीह जो सच्चाई है उसके जन्म में झूठ बोला जा रहा है। वैसे हकीकत में यीशु मसीह के जीवन के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई है बाइबल के अंदर। ऐसा कोई मिसाल हो जिसके जन्म के पहले उसके बारे में कहा गया, ऐसा केवल एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और बहुत से लोग ये दुनिया में आए पर उनके भविष्यवाणियां जन्म के पहले कोई नहीं जानता था उन्हें। दुनिया में बड़े बड़े मजहब और धर्म गुरु लोग हैं जो लोग ये दुनिया में आए, मगर उनके आने के पहले उनके विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं है कि वो आएंगे और वो ये काम करेंगे, ऐसा कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। बहुत से लोग आए, आने के बाद उन्होंने कुछ काम को किया, लेकिन उनके आने के पहले कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले हजारों साल पहले भविष्यवाणी हुई कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये एक ही ऐसा
भी है जो दुनिया में आने के पहले संदेश भेजा कि वो आने वाला है। बहुत सारी गवाही बाइबल के अंदर है। उत्पत्ति 12:3 में अब्राहम से प्रभु कहता है, मैं तुझ में होकर सारी पृथ्वी के कुलों को आशीष दूंगा। तुझ में होकर अब्राहम के द्वारा ये सारे कुलों को आशीष प्राप्त होगी। अब मत्ते का 1:1 से पढ़ के देखिए, और अब्राहम यीशु मसीह का जन्म का वर्णन करने के समय अब्राहम का नाम पहला आता है, क्योंकि अब्राहम से ये आशीष की बारिश शुरू हो जाती है और ये तमाम पृथ्वी को आशीष अब्राहम के द्वारा प्राप्त होगी। उत्पत्ति 22:18 के अंदर फिर अब्राहम को आशीष मिली। उत्पत्ति 17:19 के अंदर फिर मसीहा के बारे में आशीष मिली। उत्पत्ति 21:12 में फिर मसीहा के बारे में आशीष प्राप्त होती है। गणना गिनती 24:27 में फिर याकूब की धारा ऐसा आशीष मिली कि याकूब का तारा उदय होगा। और ये सब यीशु के आने के 4,000 साल पहले की भविष्यवाणी है। और ये 4,000 साल से इंतजार हो रही थी कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन ये धरती में आएगा। और मत्ते 1:1, रोमन 9:5 के अंदर, लूक 3:34 के अंदर, मत्ते 1:12 के अंदर, ये जितनी भविष्यवाणी पुराना नियम में हुआ नया नियम के अंदर पूर्ण हुआ है। और ये नया नियम पढ़ने के बाद हमें ये मालूम होता है कि पुराना नियम में इस विषय में कहा गया था और वो ये धरती पर आने वाला है, और सदियों से लोग उसके इंतजार में थे। आज से 2,500 साल पहले दानियल की किताब में प्रभु ने दानियल को भविष्यवाणी दी थी कि मसीह आएगा और अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। मसीह के विषय में अनेक भविष्यवाणियां दी गई। मसीह किस तरीके से आएगा, कितना दिन उसकी सेवा होगी, कब वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ये सारा वर्णन 2,500 साल पहले प्रभु ने दानियल नबी को दी थी। क्या कोई आमीन कहेगा? आमीन। किसी के जन्म के पहले 2,500 साल पहले भविष्यवाणी हो रही है, किसी के जन्म के 4,000 साल पहले भविष्यवाणी हो रही है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। और उसके लक्षण उसके ऊपर थी कि एक दिन ये मसीह आने वाला है धरती के अंदर। उसके अलावा अगर भिन्न धर्म के अंदर देखना चाहेंगे, कुरान 2:136 में, वी बिलीव इन अल्लाह एंड द रेवलेशन गिवन टू जीसस and to Abraham, and to Ishmael, and to Isaac, Jacob, and the tribes that given to Moses and Jesus, that given to all the prophets from their Lord. We make no difference between one another of them. Muhammad Islam कहता है कि इब्राहिम से जो आशीष चली आई, इस्माइल, इशाक, याकूब और आखिर में मूसा, ये सभी वंशावली से यीशु मसीह तक, मतलब वो इस बात की पहचान देता है कि यीशु मसीह इब्राहिम के वंशावली से आ रहा है। अब अगर कोई इस्लाम कहे तो इस बात को जानने पाए, 114 अध्याय कुरान मोहम्मद नेम इज मेंशन इन 4 places, 4 जगह के अंदर मोहम्मद का नाम मेंशन किया गया। Jesus is mentioned in 25 places. कुरान की किताब में मोहम्मद का नाम 4 बार है, लेकिन यीशु का नाम 25 बार है वहां, क्योंकि यीशु पर ही कुरान आधारित है। उनकी समझ अलग है, उनका सोच अलग है। Verse 45-55 calls Jesus the Word of God, the Spirit of God. प्रभु यीशु मसीह को कुरान कहता है कि वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। अब मानता बहुत कम लोग, पर जो जानता है अच्छी तरीके से वो मालूम है कि यीशु मसीह वायदे का संतान है और ये सारे धर्म उपदेश के अंदर कहा गया है। इसके अलावा यीशु मसीह के 500 साल पहले गौतम बुद्ध ये जगत में था। गौतम बुद्ध के द्वारा यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें सुनते हैं। Then the old Brahmin priest asked, "What will be the characteristic of the Holy One?" वो जो पवित्र आने वाला है, उसका चरित्र कैसा होगा? Buddha answered him, "The Holy One will be keep the world in future and will be like this. The palm of his hand and the flat of his feet will be designed of a dish. In his side will be a stab wound." गौतम बुद्ध बोल रहा है, उसके हाथों में और पैरों में कीले की निशानी होंगे, उसके बाहों में निशानी होगा। And his forehead will have the mark of the scare. उसके माथे पर जो है कांटों का निशानी होगा।
This holy one of the rebirth of the way, the highest heaven, that is Nirvana. Do not look for salvation in the old way. There is no salvation in it for sure. Quit the day old and there will be new spirit like light of lightning bug which will come down from the sky above, live and all of the heart. और ये पेंटिकोस्ट के दिन के बारे में बात कर रहा है कि ऊपर से एक रोशनी आएगी और वो लोगों के जीवन को उत्तेजित करेगी. Buddha was correct about this uselessness of trying to earn merit. It is impossible. The Holy One Buddha said would come and has come. About 500 years after Buddha left this world, the prophecy was fulfilled. Buddha जाने के 500 साल के बाद जो परमात्मा को देख रहा था वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में ये धरती में आया. हालेलुया. चाहे कोई बुद्धिस्ट धर्म मानने वाले को ये बात पता भी नहीं होगा कि उनका बुद्धा यीशु मसीह के बारे में गवाही देकर गया कि एक पवित्र आने वाला है और जगत का उद्धार करता होगा. केवल सल्वेशन उसके पास से होगी. क्रिश्चियनिटी द रिलीजियंस आर पीपल अटेम्प्ट टू रीच गॉड और क्रिएट देयर ओन गॉड. रिलीजियस आर मेड बाय गॉड और पीपल टू रीच गॉड. मनुष्य ने धार्मिकता को बनाया कि परमेश्वर के पास चला जाए. यही दूसरे मजहब और मसीहत के अंदर फर्क है कि दूसरे सभी मजहब ये सिखाते हैं हमें ईश्वर के पास कैसे जाना है, हम ईश्वर से कैसे मिल सकते हैं, हम ईश्वर के पास कैसे पहुंच सकते हैं. लेकिन बाइबल एक ऐसी मजहब सिखाती है ईश्वर हमारे पास कैसा आया, ईश्वर मनुष्य कैसा बना, ईश्वर आपके और मेरे पास में किस रूप में उतर कर आया. ये इतर धर्म या इतर मजहब के अंदर का फर्क है. सारी दुनिया कहती है ईश्वर को कैसे खोजना और मेरा बाइबल कहता है ईश्वर तुम्हें खोज कर आया, वो ढूंढने आया खोए हुए पेड़ों को. बोले हालेलुया. इस हकीकत के साथ साथ एक बात और है कि 25 दिसंबर ये क्रिसमस हो नहीं सकता. यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मेंशन किया गया है, क्योंकि 25 दिसंबर को जेरूशलेम में बर्फ गिरता है. यह है जेरूशलेम की ओल्ड टेंपल और ज्यूइश लोगों का स्थान, सुलेमान का मंदिर का दीवार, और यहां पर बर्फ गिरता है. यह मौसम में कोई बाहर नहीं रहता. और मेरा बाइबल बोलता है जब यीशु पैदा हुआ तब गडेरिये लोग मैदान में सो रहे थे, और ये टाइम पे गडेरिये लोग जाते नहीं सकते मैदान के अंदर, क्योंकि जमीन से 3 फीट तक बर्फ जमा होता है. और इन दिनों के अंदर जो जेरूशलेम में गया अगर घूमने के लिए तो उनकी गाड़ियां यूं फंसी रहेगी रास्ते पर, क्योंकि सभी जगह बर्फ बर्फ होता है. और जेरूशलेम के अंदर ये समय के अंदर आपके लिए मुश्किल है कि आप मैदान में रहे. इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह दिसंबर में पैदा नहीं हुआ था. प्रेज द लॉर्ड. वो कोई और तारीख होगी, और वो तारीख को जानने के लिए हमें बाइबल को देखना है. तो बाइबल बताती है वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया. आमीन. परमेश्वर का मेमना यानी बकरी या भेड़, इनका जन्म जो होता है ये अप्रैल और मई के बीच में होता है. तो यीशु मसीह का जन्म पश्चात अप्रैल और मई के दरमियान होना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जब गडेरिये लोग अपने भेड़ों को लेकर मैदान में बैठते हैं. तो ये बात गलत है 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन हुआ. खैर, हम लोग 25 दिसंबर को एकत्रित होते हैं प्रार्थना के लिए, ताकि लोगों को हकीकत बताए. हम लोग गाना गाते हैं, हम भी पहले गाना गा के घूमते थे, कैरल सिंगिंग में घूमते थे. एता का बेतलहम एता का तू ता संगी जय जयकार गगन वरिता का एता का एता एता का बेतलहम एता का. सबको गाना गा के घूमते थे. तो टाइम पे सच्चाई नहीं मालूम थी. यानी उनको मालूम होगा. देखिए जोसेफ आवाज निकलेगा. हम अंश
थे कि यही क्रिसमस है, लेकिन जब संदेश खुलता गया, नबी का संदेश बनता गया, तब हमें पता चला कि ये सारे मूर्ति पूजा की तरफ भी चली जा रही है। देखो, जब तक आप अनजान है आपके लिए मुआफी है, जब आपको समझ में आ गई तो फिर आपके लिए चेतावनी है। पहले हम संसार में थे, हम अनजान थे, हम कर रहे थे, लेकिन आज जब हमें बात समझ में आई तो हमने सोचा कि नहीं, ये वचन के मुताबिक बराबर नहीं है, ये वचन के मुताबिक ठीक नहीं है। लेकिन एक छुट्टी का माहौल है, बच्चों की स्कूल छुट्टी हो जाती है, इर्द गिर्द हम ये माहौल को देखते हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये खुशी से हम वंचित रहे। हमें भी खुशी है, प्रभु यीशु मसीह जगत में आया था, बेहद खुशी। अगर वो नहीं आता तो आज आप और हम यहाँ नहीं होते। उसके आने की वजह से आज हम लोग यहाँ उपस्थित है, उसका आना आपके और मेरे लिए उद्धार का कारण बना। लेकिन 25 दिसंबर तो उसका आना नहीं होगा, ये कोई और दिन हो सकता है। खैर, हमें इससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, पर इतना मालूम हो कि 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन नहीं, उसके बाद तड़े नहीं, क्रिस्त जयंती, क्रिस्त का कोई जयंती है नहीं। बाकी जो लोग संसार में मर गए उनके लिए जयंती मनाओ, क्योंकि वो कब्र में सोए हैं, यीशु मसीह कब्र में नहीं है, इसके लिए उसके लिए जयंती मनाने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो जिंदा हो गया है। हाँ, अम्बेडकर जयंती इसलिए आता है क्योंकि अम्बेडकर सदर में कब्र में रखा उसको। बुद्धा जयंती इसलिए आता है क्योंकि बुद्धा को कब्र में रखा। ये जयंती उनका मनाया जाए जो मर गया, उनके स्मरण के लिए मनाया जाता है, लेकिन जो मर के जिंदा हो गया उसका क्या स्मरण मनाना चाहते हो? वो तो आज आपके और मेरे हृदय में जीवित है। एक सही क्रिसमस आज आपको मनाना है, क्रिसमस के नाम पे। क्रिसमस फादर, आप पूछिए इससे, ये बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं, वेयर आर यू इन द बाइबल? क्रिसमस फादर को पूछा, आप बाइबल में कहां है भाई? ये लाल जब्बा पहनाकर, लंबी दाढ़ी पहनाकर, इतने बड़े पेट लेकर वो लोगों को अच्छी मिठाई बांटते घूम रहा है, और क्रिसमस के अंदर सबसे पहला उसको लाते हैं, सबसे पहला वही घूमता है, उसको सब देखने के लिए लोग आकर्षित होते हैं। कई मार्केट में जाओ, मॉल में जाओ, सब दुकान के सामने क्रिसमस फादर खड़ा हुआ है, चॉकलेट दे रहा है, अंदर बड़ी शो लगी हुई है, और बच्चे जाके क्रिसमस फादर से चॉकलेट ले रहे हैं, वो विश कर रहे हैं, सेंटा क्लॉज रथ में जा रहा है, रेन में जा रहा है। ये कहाँ है सेंटा क्लॉज बाइबल में? इसको कहाँ ढूंढे हम जाकर? इसके एड्रेस किधर है? ये कहाँ से आया? और ये मसीह लोग आज इस बात को जानते नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है बाइबल के अंदर, इसकी कोई तालुकात नहीं है बाइबल के अंदर, फिर ये आया कहाँ से? आज लोग बड़े बड़े बस बुक करके खैर सिंगी के नाते क्रिसमस फादर को एक बढ़िया स्थान दे रहे हैं। हर साल क्रिसमस के टाइम पर जो महिमा यीशु को देना है वो ये लेके जा रहा है। ये चोर एक नंबर का, ये क्राइस्ट का फादर नहीं हो सकता। क्रिसमस फादर का मतलब क्राइस्ट का फादर नहीं, प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आया तो वो स्वर्ग के पिता से बात कर रहा था। क्या वो स्वर्ग के पिता का ये रूप है? कदाचित नहीं। फिर ये हो कौन सकता? ये है कौन? ये आया कहां से? इसका पता किधर है? इसकी एड्रेस क्या है? जब आप ढूंढोगे तो सेंट निकोलस नाम का एक संत था रोमन कैथलिक में, वो संत बच्चों को मिठाई देता था। वो संत मरने के बाद उसके नाम से निकोलस सेंटा क्रॉस बन गया, और ये निकोलस यहां से शुरुआत हुई। लेकिन इससे भी पुराना अगर आप जाओगे तो ये सेंटा क्रॉस के पास एक रेंडियर होता है जो उसके रथ खींचते हैं, वो हरिन, उसको इंग्लिश में रेंडियर बोलते हैं, बारह सिंगा बोलते हैं हम लोग उसको हिंदी में, वो इसका रथ खींचने वाला होता प्राणी, और इसके हाथ में एक झाड़ होता है जो आज क्रिसमस ट्री के रूप में बन गया। तो ये झाड़ और ये रेंडियर जानवर को बाइबल के अंदर निमरोद राजा रखता था। तो ये बाइबल का निमरोद राजा है जिसने बाबेल टावर को बनाया। इस आदमी के ये झाड़ की उपासना और ये रेंडियर जो हरिन का जानवर जो इसका रथ को खींचता है, यहां से निकलकर निकोलस को मिलाकर सेंटा क्लॉज बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि बाइबल के अंदर इसकी कोई इतिहास नहीं है, इसकी कोई अपनी जगह नहीं है, और ये अगर रूट में पकड़ना जाए तो ये निमरोद राजा के पास चला जाता है। निमरोद राजा बाबेल टावर बनाकर परमेश्वर ने उस टावर को गिरा दिया, और निमरोद के कार्य को प्रभु ने सक्सेस बनाने दिया।
तो शैतान निमरुद को लेकर दूसरी तरीके से सक्सेस हो जाता है। अगर वो ये तरीके से नहीं सक्सेस होने पाया तो वो दूसरे तरीके से सक्सेस पाकर सारा महिमा जो खुदावन को देना है वो अपने लिए लेता है। शैतान का काम क्या है? शैतान की और खुदावन की लड़ाई क्या है? कुल मिलाकर जो महिमा खुदावन को दिया जाता था वो उसको चाहिए था, यही उसका मूल कारण था। आसमान से नीचे फेंक दिया गया, वो अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बिठाना चाहता था, यही उसका मूल कारण था। वो कहता था कि ये सब लोग परमेश्वर की उपासना करते हैं, मैं भी कुछ कम हूं, क्यों नहीं लोग मेरी उपासना करें। और वो लोगों की उपासना चाहने के लिए परमेश्वर से दूर फेंका गया। जब वो धरती में आके गिरा उसके साथ में एक तिहाई देवदूत तो गिर गए। कभी भी कोई भी आदमी कोई गलत काम करता है तो अपने साथ में दो चार को साथ लेके करता है, उसको वोटिंग देने वाले लोग भी रहते हैं। तो कई एक देवदूत लोगों ने लुसिफर को बोला तू ईश्वर बन जा, हम सब तेरी उपासना करेंगे। तो उसके साथ में वो भी देवी देवताओं के रूप में गिरा दिए गए। इनको क्या चाहिए था? महिमा चाहिए था, उपासना चाहिए था। तो ये लोग ये धरती पे जब गिरे तो अलग अलग देश में अलग अलग रूप में गिर गए। अब ये जातियों को कैसे भी उपासना लेने के लिए वो भी एक देवी देवता का रूप बन गए। और आज दुनिया में जितनी भी आप उपासना देख रहे हो, जितने मंदिरों में देवी देवताओं को देख रहे हो, जहां पर भी उपासना हो रही है वो सब कौन है? लूसिफर के साथ गिरे हुए फरिश्ते हैं। इसीलिए उनके पास में भी कुछ ताकत है, वो भी उनके चाहने वालों को कुछ भलाई करते हैं, इसीलिए लोग उनके पीछे भागते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है आपकी? कुछ क्षमता उनके पास में भी है, क्योंकि दुनिया की ताकत जो है लूसिफर के हाथ में दिया गया था। लूसिफर ने वो ताकत अपने शागिर्दों के साथ बांट दिया और वो ताकत वो ये दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक काम लूसिफर नहीं कर सकता, आपको उद्धार नहीं दे सकता, बाकी वो सब कुछ आपको दे सकता है। आपको बंगला, गाड़ी, घोड़ा, नौकरी, दुनिया का कितना आशीष है सब आपको दे सकता है, लेकिन आपका उद्धार, आपको अनंत काल का जीवन वो नहीं दे सकता, वो केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। इसीलिए दुनिया में लोग जो दुनिया की चीजों की आशा रखते हैं वो इन मंदिरों में इन देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि ये लोग उनको दुनिया की आशीष दे रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब जगत में था, शैतान उसके पास आया, कहा ये सब मैं तुझे दे दूंगा, ये जो कुछ दिखता है सब मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर। प्रवेश पूजा नहीं, वो तो सब मेरा ही है, लेकिन शैतान ने अभी राज्य रखा, सब मैं तुझे दे दूंगा। प्रवेश मसीह ने उसको कहा मैं तुझसे फोकट नहीं लूंगा, मैं अपना लहू देकर मेरे बच्चों को खरीद के लूंगा। मेरे बच्चे गुनेगार हैं, मेरे बच्चों को तुम्हें बांध कर रखा है, वो पाप के हालात में दबे हुए हैं, उनको छुटकारा देना वो मेरा काम है, तुम्हें खून देकर खरीदूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई ये मोबाइल मुझे दे दे बोले तो आप थोड़े दिन के लिए रखो, तो जब भी उसका मूड खराब हो जाएगा आके वापस मांग के ले जाएगा। लेकिन अगर मैं दुकान में पैसे देकर लेके आया तो इसको कोई मांग नहीं सकता। अगर शैतान ने आपको यू दिया होता तो कल मांग के लेता तुम्हें, लेकिन आज वो मांग नहीं सकता क्योंकि यीशु ने खून देकर खरीदा है। आज उसका अधिकार हम पर नहीं है। इसीलिए पॉल कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। ये क्रिसमस जो है वो आपके और हमारे लिए दाम देने के लिए आया, हमारा पाप का रकम को चुकाने के लिए आया। सो सेंट निकोलास ये सांता क्लॉस बन गया और आज हमारे मसीह दुनिया को भरमा रहा है, वो पूरी तरीके से भरमा रहा है कि लोगों को सच्चाई से मुकर जाए। उसके बाद यिर्मयाह 10 अध्याय के अंदर प्रभु कहता है तुम जंगल से पेड़ काट के लाते हो, उसको सोने और चांदी से उसको बनाते हो और फिर उसकी उपासना करते हो। ये यिर्मयाह 10 अध्याय के अंदर जो
पेड़ है जिसकी उपासना लोग करते थे, वही आज हमारा क्रिसमस ट्री बन गया है, जिसको लाकर लोग बॉल सोना और चांदी गोल्डन और ये बॉल लगाकर उसको डेकोरेट करते हैं और उसकी उपासना करते हैं। एक समय था मैं भी क्रिसमस ट्री बहुत बना के लोगों को देता था, जब हम बच्चे थे संडे स्कूल के, छोटे थे स्कूल की लाइफ के अंदर, हमारे आसपास के लोग बहुत लोग क्रिसमस ट्री मांगते थे। मैं बहुत अच्छा कलाकार था, आर्टिस्ट, मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग थी और ये फूल सब मैं कागज का एक ट्री जंगल से ले आकर उसको बना के सूखी लकड़ी को अच्छे पेड़ लगा, पत्ते लगा, फूल लगा, सजा के क्रिसमस ट्री बनाकर देता था। लेकिन बाइबल कहती है कि ये मूर्ति पूजा है और आज देश इस मूर्ति को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। अभी विदेश में एक जगह में मॉल में मूर्ति, सऊदी अरब में या दुबई में वो क्रिसमस ट्री जो रखी है उसकी कीमत है, रियल गोल्ड और रियल सिल्वर से उसको डेकोरेट किया है, इट्स मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके क्रिसमस ट्री बनाए हैं, मतलब उसमें जो बॉल वगैरह टंगाया है रियल गोल्ड और रियल सिल्वर का टंगाया हुआ है। लोग इसको आज बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मानने लगे हैं, जबकि ये आपको आइडल वर्शिप की तरफ से ले आता है। द ट्री वर्शिप गिल्डेड नट्स एंड बॉल सिंबलाइजिंग द सन, तो इसमें जो बॉल हम लटकाते हैं वो सूर्य देवता की प्रतिमा है और जो सिल्वर का बॉल लटकाते हैं वो चांद यानी चंद्रमा का प्रतिमा है। तो ये सूरज और चांद और उसमें स्टार लगाते हैं हम लोग, ये स्टार जो है ये प्रकृति को उपासना करने के लिए, ये पेड़ का आराधना लोगों के पास चली आ गई। लोग सच्चे ईश्वर को छोड़कर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी सवेरे नहा रहा है, सूर्य देवता को पानी छोड़ रहा है, सूर्य देवता का उपासना कर रहा है, और हमारे मसीह लोग घर में क्रिसमस ट्री रख के सूर्य देवता को झाड़ में रख के उसकी उपासना कर रहे हैं। वो पानी में नदी में कर रहे हैं ब्राह्मण और ये हमारे क्रिश्चियन चर्च में कर रहे हैं। फर्क इतना है कि वो ब्राह्मण है और क्रिश्चियन है, लेकिन उपासना उसी सूरज को जा रहा है जो सूर्य देवता को दर्शाता है, बाल देवता को दर्शाता है। हालेलुया। 2000 साल पहले थोमा इंडिया में आया था, जब वो केरला में गया नदी के किनारे सवेरे सवेरे, तो सब लोग नहा धो के लोटे में पानी लेकर डाल रहे, लोटे में पानी लेकर डाल रहे, तो थोमा ने पूछा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तो बोले हमारा सन गॉड को हम लोग वर्शिप कर रहे, सूर्य देवता को नमन कर रहे। तो थोमा ने बोला तुम्हारा सन गॉड एक चमत्कार कर सकता है क्या? बोले क्या? ये जो पानी तुम डाल रहे हो ये नीचे ना गिरे ऐसा कर सकता है क्या? तो बोले ऐसे कैसे होगा, सदियों से हम डाल रहे पानी नीचे ही गिर रहा है। तो बोले सूरज को बनाने वाला मेरा यीशु कर सकता है। तो बोले कि ये क्या अद्भुत बात आप बता रहे। तो थोमा पानी में उतरा और बहते नदी में उसने यूं पानी निकला और यीशु के नाम से ऊपर फेंका, पानी ऊपर ही रुक गया, नीचे गिरा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और जहां से उसने पानी निकाली थी वहां पानी में खड्डा था, बहता नदी में पानी निकाल कर ऊपर फेंकी। उसी दिन 300 ब्राह्मण लोग बपतिस्मा ले लिए यीशु के नाम से, केरल के अंदर ये घटना हुई। प्रेज द लॉर्ड। हमारा वो परमेश्वर है जिसने सूरज को बनाया, जिसने ये प्रकृति को बनाया। लोग प्रकृति को नमन कर रहे हैं लेकिन हम उसके खुदा को नमन कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कई एक हकीकत है जो प्रभु यीशु के जन्म के साथ में जुड़ी हुई है। प्रभु आया, अपना काम पूरा किया, बादलों पर उठा लिया गया, वचन में लिखा है जैसा हो गया वैसे उसे आते तुम देखोगे। लेकिन इसके घटनाओं के बीच में एक और घटना हुई, उसके बारे में बाइबल कहती है मैं और पिता आएंगे और तेरे अंदर रहेंगे, उस दिन तुम जानोगे पिता मुझ में और मैं तुम में। ये सारे वायदा प्रभु ने कर शिष्य को चला गया था, जाओ यरूशलेम में ठहरे रहो, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम ऊपर से सामर्थ्य प्राप्त होगा और तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये एक दूसरा वायदा प्रभु ने दिया था कि मैं तुम्हारे साथ रहने को आने वाला हूं। योहान 20 में कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर से आऊंगा तुम्हारे पास में। लेकिन इस बार जब प्रभु आया तो वो लोगों के अंदर उतर कर आया पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, वो हरेक के सर पर चलती हुई अग्नि के समान दिखाई दिया। और ये वो टाइम था जब प्रभु आकर अपने राज्य को स्थापित किया। इसके बाद में जो संदेश प्रचार करते थे चेले लोग, वो ये करते थे परमेश्वर का राज्य आ गया,
परमेश्वर का राज्य आ गया है। इसके पहले जो संदेश होता था वो परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, नजदीक है, द्वार पर है। लेकिन पेंतिकोस्त के दिन के बाद पहचानता परमेश्वर का राज्य आ गया है। हालेलुया। कहां आ गया है? उन विश्वासियों के अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया। ये था दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह का आगमन विश्वासियों के अंदर हो गया। कोलोसियों 1:13 में लिखा है, God transformed us into His kingdom। उसने हमें अपने राज्य में बदल कर ले लिया है। We have received a kingdom। इब्रूस 12:28 में लिखा है, हमने परमेश्वर का राज्य को प्राप्त किया है। आज आप और हम किधर हैं? हम परमेश्वर के राज्य में हैं। एक तो ये राज्य है जिसमें हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक और राज्य जी रहा है, वो परमेश्वर का राज्य है। बोले हालेलुया। क्या बात है, महसूस तो हो रहे हैं आप लोग? परमेश्वर का राज्य आप में है या नहीं है? कोई पूछे आपको, हमें यीशु को देखना है, तो आप यीशु को दिखा सकते हैं? हमें दिखाना है क्योंकि वो जीवित है और वो विश्वासियों के अंदर आकर रहने लगा। एक्स चैप्टर 2 के बाद परमेश्वर का राज्य मनुष्य के बीच में स्थापित हो गया। उसके बाद में तीसरी बार बाइबल कहता है प्रभु आने वाला है। योहान 14:2-3 में कहता है, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, मैं फिर से आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा, या मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। अरे मसीह के मेरे प्रिय लोगों, आपके लिए प्रभु घर बनाने गया, वो चल आ रहा है और आपको ले जाएगा। आपको टिकट निकालनी, वीजा बनवाने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है, पाप की क्षमा प्राप्त करना, प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा के रूप में अपने मनों में लेना है, उसके आगमन के इंतजार में बैठना है। आपका टिकट भी तैयार है, आपकी पासपोर्ट भी तैयार है, प्रभु बहुत जल्द आएगा। वो कहता है कि मैं ले जाऊंगा तुम्हें।